छोटे बेटे के सामने उनके बाप का कत्ल किया जाता है जिस सब बेरहमी के हिसाब से, तो हम सबके लिए डर की भावना हमारे मन के अंदर पैदा होती है। हमारा ही परिवार है उसके साथ साथ, सारी जगह देखे तो क्रिमिनल जहां बसते हैं सबको पता है कहां बसते हैं, लेकिन कोई एक्शन लेने वाला है ही नहीं, कोई आगे आके बात ही नहीं करता किसी मुद्दे के ऊपर। जब ये अगर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा कल को जाके, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी कहां जाएगी? इसमें जितना भी क्लस्टर है, ये जो जितने भी अपराधी है, बैड एलिमेंट्स हैं, ये सारी इन क्लस्टरों का फायदा उठा करके यहाँ पे शिफ्टिंग कर लेते हैं। सट्टा बाजारी, जितने भी अवैध काम होते हैं, दारू कच्चा दारू मटका, ये इनकम का सोर्स इन्होंने जो क्लस्टरों के रूप में बना रखा है, इसमें दिल्ली पुलिस बिल्कुल ध्यान नहीं देती। दिल्ली के बाद विकासपुरी की भी जितना क्लस्टर है, सारा बैड एलिमेंट्स इसके अंदर, क्लस्टरों के अंदर दिल्ली पुलिस अच्छा जानती है, पर इस आज तक दिल्ली सरकार ने एक्शन नहीं करा, दिल्ली पुलिस ने एक्शन नहीं करा। अगर ये सब बंद हो जाए, इनमें बैड एलिमेंट्स को रोका जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक इनकी जो गुंडागर्दी है वो रुकेगी, और जो इनका जो आने का आय का स्रोत है दो नंबर के द्वारा, पुलिस को इसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए। आज की डेट में हमारे जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। इतना डर, इतना प्रकोप पैदा हो चुका है कि बच्चे हमारे डर चुके हैं। हम कहते हैं कि अगर जब तक झुग्गी नहीं हटती, जब तक हमारी दिल्ली सरकार से एक हाथ जोड़ के दिखती है, जो जो लोग वहाँ रहते हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए, कहाँ से आए हैं, उनके जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके वेरिफिकेशन किया जाए, और उनके ऐसे जो राशन कार्ड बनवा रहे हैं, इलेक्शन कार्ड बनवा रहे हैं, उसको रोका जाए।